तो फाइनली गाइस आ चुके हैं बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन के एक और न्यू एपिसोड में वापस। तो भाई सिंघम का जोरों शोरों से शूट है गाइस, वो चल रहा है और स्टार्टिंग से मुंबई में काफी अलग अलग प्लेसेस में इसका शूट है गाइस वो किया गया था, एंड नेक्स्ट फिर YRF के स्टूडियो में शूट है गाइस वो थोड़ा सा किया गया था, और अब भाई विद टीम हैदराबाद में है। रोहित शेट्टी हो गया, अजय देवगन पहले से थे, और अभी हाल ही में यहाँ पे करीना ने भी गाइस ज्वाइन है वो कर लिया है, उन्होंने तस्वीर शेयर भी की थी कि वो गाड़ी फोड़ने वाला सीन, तो आप पब्लिक ने भाई उसको मतलब कमेंट करना शुरू कर दिया कि बस रोहित शेट्टी को यही आता है, बस गाड़ी फोड़ एक्शन सीक्वेंस, बाकी इसके अलावा भाई बंदे को कुछ आता ही नहीं है। देखो आता है नहीं आता है क्या आता है इसके अलावा वो तो भाई हमें पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। और अब जो बड़ी अपडेट है गाइस, बड़ी क्योंकि बड़े सुपरस्टार यानी कि इंडिया के बड़े सुपरस्टार विलन जो रोल प्ले करते हैं कर रही हैं भाई, करते हैं नहीं करते हैं ये बात की बात है, अब भी कर रही हैं, यानी कि भाई अर्जुन कपूर वो भी भाई हैदराबाद में निकल चुके हैं शूट करने के लिए, और उन्होंने भी ज्वाइन है गाइस वो कर लिया है, और इस टाइम की ये बड़ी अपडेट है गाइस वो निकल के सामने आ रही है, और हैदराबाद में अजय पहले से हैं, रोहित, करीना एंड अब भाई अर्जुन कपूर की भी एंट्री है गाइस हो चुकी है, बाकी अक्षय में सुना है कि वो बाद में आएंगे, और यहाँ पर टाइगर भी और रणवीर तो साथ में थे ही थे, तो ये है भाई इस टाइम की बड़ी अपडेट्स। बाकी गाइस वेट है, बड़ी पिक्चर है ये अजय की लाइफ की, चाहे पीछे जितनी मूवीज आई हैं बस नहीं गाइस मुझे लगता है कि ये सारे रिकॉर्ड्स है गाइस वो तोड़ देगी, और उनकी अब तक की हाईएस्ट क्रशिंग करने वाली मूवी है गाइस ये बन सकती है, और रोहित शेट्टी गाइस ऑलरेडी बता चुकी है कि ये सूर्यवंशी से 10 गुना बेटर है गाइस वो रहने वाली, अगर 10 गुना से ज़्यादा क्वेश्चन भी निकाल दिया समझ लो कि सारे रिकॉर्ड्स ने ध्वस्त कर दिए, चाहे फिर ओवरसीज हो चाहे फिर भाई डोमेस्टिक हो, मैं सिर्फ अजय की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी देखते हैं, बाकी रिलीज डेट तो भाई अभी वही चल रही है, पुष्पा के साथ ही रिलीज होगी, फिलहाल डेट कौन आगे पीछे करेगा ये देखना भी दिलचस्प होगा, सुनने में आया कि भाई रोहित शेट्टी आगे पीछे कर सकते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई रोहित शेट्टी ने पहले से भाई ऑफिशियल किया था कि वो इंडिपेंडेंस में आएंगे 2024, तो उनको भाई पीछे नहीं हटना चाहिए, पुष्पा उन्होंने तो भाई अभी किया है, लेकिन यार ये बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे भाई रोहित शेट्टी की काफ़ी ज़्यादा मेहनत है गाइस वो रहने वाली है, वो ऐसे नहीं जाने देंगे, जा सकते हैं हाँ रिलीज डेट चेंज कर सकते हैं भाई, यहाँ पे दोनों को नुकसान होगा, पुष्पा भी होगा भाई और साथ में यहाँ पे सिंघम को भी होगा, बट पुष्पा यार वो तो साउथ से निकलाशन निकाल लेगी, हिंदी से भी काफ़ी सारे उम्मीदें हैं, टक्कर तो अच्छी खासी देगी क्योंकि उसका डायलॉग झुकेगा नहीं और वो अभी भी चलेगा, देखते हैं लास्ट में कौन हटेगा पीछे और जाएगा पीछे कोई या फिर नहीं जाएगा, उम्मीदें थी कि भाई सिंघम 55, 60, 70 तो चलो ये काफ़ी आगे हो गए, ये तो बाद में पता चलेगा जब ट्रेलर टीजर आएगा, लेकिन 50 करोड़ से ज़्यादा उम्मीदें थी, बट पुष्पा आने के बाद गाइस अगर सेम दोनों सेम डेट में रिलीज होती हैं तो फिर ये 50-55 करोड़ ओपनिंग मुश्किल है गाइस, देखते हैं। तो बाकी इसमें आप सभी का भाई क्या कहना है बताओ कमेंट सेक्शन में, बाकी जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब क्या कर रहे हो यार जल्दी करो सब्सक्राइब है गाइस, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में जब कोई बड़ी अपडेट है गाइस वो निकल के सामने आएगी, तब तक रहिए